पाया है तो भाई टॉपर के भी 200 नहीं है, टॉपर मतलब मैथ में जो टॉपर है उसके 200 नहीं है। जब पेपर मुश्किल आया तो 200 नहीं बने किसी के भी, और जब पेपर आसान हुआ तो दुनिया भर के बच्चों के 200 में 200 आए। भाई मेरे, मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये बात है 2013 की, और ये जो कहानी है मेरे बच्चों, ये 2013 प्रीलिम्स की बात है। 2 ही सेकंड का समय खराब करूंगा, अगर आपको ठीक लगे तो सुनिएगा, क्योंकि आपने बात ऐसी बोली है तो मुझे समझाना जरूरी है। सीजीएल प्री 2013, मॉर्निंग का एक सेट था मेरे बच्चों, आई ऑल्सो डू नॉट नो द हार्ड लेवल ऑफ दिस एग्जाम, मतलब कितना मुश्किल था मैं भी नहीं जानता इस बात को, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता अपने छात्रों से, इसलिए बता रहा हूँ। बेसिकली 2013 में हुआ क्या था कि धांधली हुई थी, तो 2013 में पहले प्री हुआ फिर मेंस हुआ, बच्चों का प्री भी क्लियर हो गया था, मेंस भी क्लियर हो गया था। उसके बाद वो धांधली पकड़ी गई, आंदोलन आंदोलन चले थोड़े बहुत, फिर क्या कहानी हुई कि जी पेपर कैंसिल कर दिया 2013 का। उसके बाद दोबारा से 2013 का प्री कंडक्ट हुआ, और भाइयों मेरे, जिन बच्चों ने पहले 2013 का मेंस भी क्लियर कर लिया था, जिस बच्चे का इस तारीख को पढ़ा जिनका भी एग्जाम मॉर्निंग का जो सेट था एक, उन बच्चों से प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ। क्या कारण है समझाता हूं। सवाल आए थे 50 मैथ के, पहले 50 ही सवाल आते थे मैथ के जब 50 सवाल आए भाई मेरे, पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 50। देखिए आज वो सवाल आसान है हमें, क्योंकि उन सवालों को हमने बहुत बार पढ़ लिया होगा, है ना। मेरे पापा की शुरुआती तनख्वाह 40 पैसे थी दिल्ली पुलिस में। आज मैं हंसू उस बात पे तो कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उस समय 40 पैसा बहुत बड़ी चीज थी, क्लियर है ना। तो भैया ऐसे ही 2013 में वो सवाल का लेवल बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो कहानी ये हुई मेरे दोस्त कि बच्चे ने पहला सवाल उठाया, हवा टाइट सवाल ही नहीं निकला। दिक्कत किसको हुई, जिनका मैथ थोड़ा सा भी अच्छा है उनको पता है कि मेरा मजबूत मैथ है, इसलिए मुझे मैथ में 50 में 50 नंबर चाहिए। 50 सवाल आते थे, एक सवाल एक नंबर का था, तो उसकी पूरी कोशिश थी कि 50 के 50 सही करके चला जाऊं। वो पहले सवाल में 2 मिनट लगाया, 2.5 मिनट लगाया, थोड़ी देर बाद उसने सोचा यार इतना टाइम तो लगा ही दिया इस सवाल में, अब सोल्व ही कर लेते। उसे सोल्व नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो अल्टरनेट मेथड लगाता रहा। दूसरे सवाल में आया, वो उसका भी बाप डाल दिया दोस्त, टफेस्ट क्वेश्चन डाल दिया, ये भी बच्चे से नहीं हुआ, 2.5 मिनट लगाए। बच्चे ने किसी तरीके से ढांढस बांधा, मेहनत करी, मन में विश्वास जगाया और तीसरे सवाल पे पहुंचा, और तीसरा उसका भी बाप। शुरुआत के 5 सवाल तूफानी, शुरुआत के 5 सवाल तूफानी थे मेरे बच्चों, ठीक है। मैं एग्जैक्ट डाटा मुझे भी नहीं पता 5 थे 4 थे क्या थे, मैं तो आपको एक बात समझाने का तरीका बता रहा हूं। भाई बच्चा यहीं पे जैसे ही तीसरे चौथे तक पहुंचा, उसकी हिम्मत गई टूट, उसने सोच लिया कि बेटा आज तो क्या हो गई, समझ गए, लग गई, आज पेपर हवा से ऊपर चला गया। बच्चा डिमोरलाइज हो गया, उसने सोचा यार आगे से काम नहीं बनना, यूं करते पीछे से बनाते हैं, 50वें सवाल को शुरुआत। भाई मेरे 50वें पे पहुंचा, वो भी उसका बाप मिला, थोड़ी देर किया नहीं बना, बात फिर उसका मन क्या है, यहां मेहनत तो करी, दोबारा चेक करें, दोबारा करने आया, फिर नहीं हुआ, फिर यहां आया। पीछे के भी 4-5 सवाल जो थे वो भी मुश्किल थे, और आगे के भी 4-5 सवाल मुश्किल थे, और बीच के सारे सवाल आसान। भाई साहब इन 5-5-10 सवालों में बच्चे ने कम से कम 20-22-25 मिनट खराब कर दिए। किन बच्चों ने? जिनको मैथ आता था। जिनको नहीं आता था उनके कोई फर्क पड़ना है, उन्होंने देखा रे तेरी औकात का सवाल नहीं, आगे 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 वो तो एक एक दो दो सेकंड में आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि उनको मैथ वैसे ही कमजोर, उनको पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन जिनको मैथ आता था उनकी ऐसी तैसी हो गई वहां पर, और उस ऐसी तैसी होने का सबसे बड़ा कारण था कि उसमें एक स्किल डेवलप नहीं था, वो स्किल था क्वेश्चन छोड़ने का। अगर पेपर मुश्किल आए तो सवाल छोड़ना भी हमको आना चाहिए, ये जबरदस्ती नहीं है कि प्री में 200 क्वेश्चन उस समय आते थे या आज मान लीजिए 100 सवाल आ रहे हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा कि अगर हम मैथ में ही जो हमें 15 मिनट मिले हुए हैं उसकी जगह अगर हम 30 मिनट लगा देंगे तो उससे हासिल क्या हुआ,
जीएस के भी एक क्वेश्चन का वही नंबर है, मैथ के भी एक क्वेश्चन का वही नंबर है। तो अगर ऐसी स्थिति आती कि पेपर टफ आ रहा है तो हमें एक दो सवाल को सेक्रीफाइस करने में कोई बुराई नहीं है, आगे बढ़ जाइए। आप 15 मिनट में मैथ कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास बाकी टाइम बचेगा इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, जीएस के लिए, और उसको कंप्लीट करिए। क्या पता वहां बहुत आसान सवाल दे रखे हो, और क्या पता आखिरी में समय मिले, दोबारा ये दोबारा सोल्व करिए। इसलिए स्किल ये होना चाहिए कि आप टाइम छोड़ भी सकें, मतलब पेपर के क्वेश्चन को कुछ को मिस भी कर सके, बड़ा जरूरी है एक दो क्वेश्चन को छोड़ना, है ना। और एक दो क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल लगाना, तुक्केबाजी लगा देना, कोई बुराई नहीं उस चीज में दोस्त। इसलिए इस समझ को मान के चलिए, अब हम पेपर में अप्रोच करने की बात कर रहे हैं, है ना। अभी हम अप्रोच करने की बात कर रहे हैं। अगर मेरे से आप क्लास में पढ़ रहे होते जो आप पढ़ रहे हैं, तो मैं कभी जीवन में आपको यह शब्द नहीं कहता हूं कि आपको एक दो सवाल छोड़ देने चाहिए, कभी नहीं कहता, मेरा फर्ज ही नहीं बनता वहां कहने का। लेकिन यहां हम क्वेश्चन को अप्रोच करने की बात कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकलिटी पे आ रहे हैं कि हमें छोड़ देने में कोई बुराई नहीं। एक दो सवाल अगर टफेस्ट आ गए तो तुक्का लगाइए यार, छोड़िए मत, तुक्का लगा दीजिए ऑप्शन में।